अच्छी सेहत तो हर कोई चाहता है, लेकिन अच्छी सेहत पाने के लिए दिमाग का खाली होना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अपने दिमाग में विचार, भावनाएं, यादें इतनी ज़्यादा ठूसना चालू करते हैं कि हमारा दिमाग अपनी कोई भी चीज़ समेटे रखने की क्षमता खो बैठता है। और उसके बाद दिमाग के साथ साथ शरीर के हर एक पुर्जे में जो जो भावना जमा रह सकती है, उसमें से जिसी भी पुर्जे में भावना और जमा करने की क्षमता खत्म होती है, उस पुर्जे में गड़बड़ हो जाती है और हमें उस अवयव में तकलीफ होना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से जिस तरह उम्र बढ़ने के बाद लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ी है इसलिए बीमारी आती है, नहीं, उम्र बढ़ी है तो उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा यादें और विचार दिमाग में और शरीर में ठूसने की वजह से शरीर के वो अवयव खराब हो जाते हैं और उनकी वजह से वहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है और हम बीमार पड़ते हैं। तो ठीक है, बीमारी आने के बाद कुछ समय के लिए दवाइयाँ खा के या फिर कुछ एक्सरसाइज करके हम अपनी सेहत को वापस लाइन पे ला सकते हैं, लेकिन अगर हमने दिमाग खाली करना सीख लिया तो यकीनन हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। मुझे लगता है वो स्थिति ज़्यादा अच्छी है ना? ज़रा सोचो इसके ऊपर और दिमाग खाली करना अभी से शुरू करो।